आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर राजधानी देहरादून में गृहमंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान गृहमंत्री नरेंद्र नगर में आयोजित होने वाली मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में शामिल होंगे, जहां वो 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी संगठन सीएम समेत अन्य नेताओं के साथ में चर्चा करेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल ने कहा कि अमित शाह के दौरे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड की देवभूमि में उनका स्वागत है, लेकिन उनके दौरे से जनता को क्या हासिल होगा, क्या लाभ मिलेगा, राज्य की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर के क्या वो दिशा निर्देश देंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए इस सौभाग्य के दिन है कि हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उत्तराखंड पधार रहे हैं। उनका पहला कार्यक्रम नरेंद्र नगर में है, सेंट्रल काउंसिल जोनल की काउंसिल की बैठक वहां पर है। उसके बाद देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में उनकी दूसरी बैठक है। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको उनका भी हमको भी उनका मार्गदर्शन और पाथे मिलेगा। निश्चित रूप से उनका ये दौरा हम सब के लिए उत्साहजनक वातावरण तैयार कर रहा है, और जिस तरह से वो इस राज्य के बारे में सोचते हैं, जिस राज्य के बारे में उनकी उनको उनका जो लगाव है, निश्चित रूप से उसका लाभ हम सबको मिलने वाला है। देखिए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उत्तराखंड कोई भी आए सबका स्वागत है, देवभूमि तो वैसे भी सभी के स्वागत के लिए तत्पर रहती है, लेकिन दौरे से उत्तराखंड को क्या हासिल होगा, क्या लाभ होगा? राज्य में जो कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है उसको जो है पटरी पर लाने के लिए कोई दिशा निर्देश वो देंगे, या राज्य में जो डबल इंजन का वादा आपने जनता से किया था वो डबल इंजन उत्तराखंड की धरती में कब उतरेगा, कब विकास उत्तराखंड में धरातल पर दिखाई देगा, कब हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, कब बेटी अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा? मुझे उम्मीद है कि अमित शाह जी इस मामले का भी संज्ञान लेंगे और प्रदेश सरकार को निर्देश देने का काम करेंगे। जिस न्याय की उम्मीद में उत्तराखंड की मातृशक्ति एक साल से आंदोलनरत है, शायद वो न्याय अब मिल जाए। सीबीआई जांच बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में और पेपर लीक प्रकरण में उसकी सिफारिश हो जाए, तो देखते हैं दौरे के बाद जो है किस तरीके से प्रदेश की जनता के लिए खुशखबरी आती है। यह दौरा भी पहले दौरों की तरह हवा हवाई साबित होता है।